नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करूछि मु स्वागतिका छ राज्य रो मुख्यमंत्री को सहित कथाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र केरल एवं तमिलनाडु मुख्यमंत्री को सहित प्रधानमंत्री आलोचना करिछंती। ए छ राज्य रो गत किछि दिन हेलानी देश रे दैनिक संक्रमण रो प्राय 80% चिन्हट होइछंती। संभाव्य तृतीय लहर को नै चर्चा जारी थिबा बळे अधिक पॉजिटिव बाहरुथबा राज्य एथि प्रति सतर्क हेबार आवश्यकता बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। विशेषज्ञ अनुसार लगातार केस बढ़िले म्यूट्रेशन बा कोरोना नुआ नुआ रूप बढ़ी थाए तेणु तृतीय लहर रोकिबा को हेले कड़ा पदक्षेप जरूरी। एथिपाई टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट एवं टीकाकरण को गुरुत्व देबा पई प्रधानमंत्री परामर्श देछंती। अधिक आक्रांत बाहरुथबा अंचल रे माइक्रो कंटेनमेंट जोन करा जाउ। वरिष्ठ अधिकारी को ऑक्सीजन प्लांट दायित्व दिया जाउ बोली मोदी कहिछंती। कोरोना महामारी को मात देबार सबुठारु बड़ अस्त्र हेउछि टीका तेणु एहाकु ठीक ढंग रे परिचालना सहित त्वरान्वित करा जाउ बोली से कहिछंती। यथाशीघ्र केन्द्र सरकार 23,000 कोटी जरूरी पांठि घोषणा करिछंती। तेणु स्वास्थ्य भित्तिभूमि सुदृढ़ करबाकु राज्यगुड़िक एहार व्यवहार करबा जरूरी बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। ए बैठक रे केन्द्र गृहमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख उपस्थित थिले। जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्प्टोमेटिक से होती है और केयरलेसनेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा, वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका। महामारी मुकाबला पई प्रधानमंत्री टीकाकरण को गुरुत्व देथिबा बळे पीएमसीएम बैठक रे टीका कोटा बढ़ाइबा को प्रस्ताव देछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। टीका जोगाण कोटा अनुसार राज्य रे नाही घरे हॉस्पिटल, तेणु 95% टीका राज्य सरकार को दिया जाउ बोली नवीन कहिछंती। 12-18 वर्ष बयसर पिलांकु टीका पई मध्य व्यवस्था करा जाउ बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। राज्य रे किछि सप्ताह हेलानी धीरे धीरे संक्रमण कमुछि, उपकूल जिला गुड़िक रे कोविड संक्रमण रे सुधार आसीथिबा मुख्यमंत्री बैठक रे कहिछंती। The COVID-19 situation in Odisha has improved considerably in the last few weeks, and currently the cases are there in a few coastal districts. In Odisha, due to low presence of private hospitals, the lifting of the vaccines from the 25% quota has been less. We had written to the Government of India to increase the allocation to the state governments to 95% and reduce the allocation to private hospitals to 5%. This will help us in increasing the pace of vaccination in the state. There are concerns about the third wave and its impact on children. I would like to request the vaccines for the age group of 12 to 18 years may be prioritized and rolled out at the earliest. परवर्ती खबर को आसवा आहरी 16 दिन बढ़ला आंशिक लॉकडाउन। आज ठार् अगस्ट 1 जाए राज्य में आंशिक लॉकडाउन लागू होछि। क्षेत्र में कटकणा कोहल कर तेज उपकूलवर्ती 10 जिले में सप्ताहांत सटडाउन सहित अधिकांश पूर्व कटकणा को बड़बत्र रखा, किंतु दुकान बजार सका 6 अपराह 5 पर्यंत खोलिबाकु निष्पत्ति नियाजाइछि। सबुठार बड़ निष्पत्ति भाव में राज्य भितर बस चलाचल को अनुमति देछंती राज्य सरकार। स्पा जिम ब्यूटी पार्लर सहित समस्त सेलून खोलिबा को मध्य अनुमति दिया जाइछि। त
तबे नुवा गाइडलाइन आसिबा परे भुवनेश्वर केमिति रहिछि स्थिति से संपर्क रे अधिक अपडेट पई हम सहित जोडी होइछन्ति हम प्रतिनिधि दीपक समल। दीपक जो देखिबा कि 10 उपकूलवर्ती जिल्ला रे देखिबा कि सप्ताहांत शटडाउन एवं कोहळ करा जाइछि काहेकिना जीविका को सरकार गुरुत्व दैछन्ति गोटे पटे राज्य रे संक्रमण जेहेतु कमिछि आपण किभळी चित्र देखुछन्ति लोक माने केते दूर सामाजिक दूरता मानुछन्ति काहेकिना अपराह्न 5 पर्यंत सब दुकान बजार खुला रहिबो। देखंतु अपराह्न 5 पर्यंत सब दुकान बजार खुला रहिबो एवं तापरे सब कुछ बंद रहिबो। जो माने 5 परे पदा को बाहरिबे किबा दुकान बजार खोलिबे समानक प्रति एक्शन नै जिवो। गोटिए पटे भुवनेश्वर रे संक्रमण तळपर होतरा बळे किभळे आपरे संक्रमण को रोका जा पारिबो सेति पक्षरु बीएमसी पक्षरु विभिन्न पदक्षेप नियाउची। विशेष करी जदियो खोर्धा जिला को नै अधिक टेंशन रहूची काहेकिन प्रतिदिन खोर्धा जिला राज्य रे अधिक संक्रमण हार रेकर्ड हो तेणु भुवनेश्वर को अधिक फोकस दिया दिहे। भुवनेश्वर विभिन्न जिलार लोक मैंने जावास करेणु भुवनेश्वर किभली संक्रमण रोक बीएमसी पक्षर तत्परता देखाई कमिशनर पुलिस पक्ष निर्देश दिखाई विशेषकर जो मैंने अमान्य होने नजर रखे बीएमसी और कमिशनर पुलिस एथपाई जनगहलीपूर्ण स्थान मानक पुलिस और बीएमसी कड़ा नजर रखिंट जो माने सोशल डिस्टेंस मानुना कि जो माने मास्क पिंधुना से मानक प्रति फाइन आदाय कहीं लोक मानक आउ सचेतनतार आवश्यकता ना विभिन्न समय लगातार भाव में कमिशनर पुलिस कथा कहतु कि बीएमसी कथा कहतु बारंबार लोक मानक सचेतन कराई कितु सचेतन अपेक्षा जदि एवं अधिक रु अधिक आक्शन निया कहीं जो मैंने अमान्य होमानक अधिक फोकस दिया आम कहीपर जो समस्त अमान्य कि समस्त राजधानीवासी अमान्य बोली किसी अमान्य अच्छा जो मानी संक्रमण हार कमी ना धनी से नजर खाई यार मध्य हाट बजार पर विशेषकर फोकस दिखाई सका सका कमिशनर पुलिस पक्ष विभिन्न हाट बजार उपर चढ़ा करा जो मैंने बिना मास्क किंबा व्यापारी हूँ किंबा ग्राहक बिना मास्क किंबा सोशल डिस्टेंस रक्षा करना से पुलिस फाइन आदाय करुच्छी विभिन्न समय कथा देखते कितु जिते बड़े एहेतु सका 6 संध्या 5 पर्यंत दुकान बजार खोला रहिबो अधिक रु अधिक सजाग अच्छी बीएमसी एवं कमिशनर पुलिस से सबुठी नजर रखाई जो मैंने कोविड गाइडलाइन को उल्लंघन करेंगे से मानक प्रति एक्शन नि निश्चित भाव में पुलिस पूरापूरी नजर रखी जो मैंने गाइडलाइन को उल्लंघन करेंगे नियम को उल्लंघन करेंगे से दोकानी हूँ बा ग्राहक तो कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण धन्यवाद दीपक आपण समस्त सूचनापी तेज कटक कोहल होगापर जो भाव में दुकान बजार खोली सका 6 अपराह 5 पर्यंत दुकान बजार सब खोली किंतु जब 5 परे जब भाव जो नियम पूर्व नियम कटक बलबत्तर रही गुरुत्वपूर्ण कथा कि जब भाव जो माने दुकानी हूँ कि ग्राहक समस्ते सामाजिक दूरता बजाय रखिबे ता सहित मास्क पिंधिबे पूर्वर मध्य बारंबार एक कथा कह तो विभिन्न स्थान चित्र सामना आसुचे तो कटक रे किभळी रहिछि नुवा गाइडलाइन आसिबा परे कटक रो चित्र किभळी रहिछि लोक माने केते दूर सामाजिक दूरता मानुछंती दुकानी एवं ग्राहक माने केते दूर अनुपालन करुछंती पूरा अपडेट पई हम सहित जोडी होइछंती देवाशीष धळा मा प्रतिनिधि। देवाशीष कटक रो स्थिति आपण किभळी देखुछंती एवं सबुठारो बड निष्पत्ति हेउछि कि बस चलाचल आरंभ होइछि पूरा अपडेट कोन देखो स्वागतिका जो समय सीमा थी 2:00 to 5:00 समय है जेहतु आज शुक्रवार अच्छी शुक्रवार जेहतु पुणी आसंता का साप्ताहिक सौदा नब ये हूँ बादाम दृश्य आपण बादाम जो मार्केट कहते भटिया टावर ये भटिया टावर सामनार दृश्य आप देखिपारे 5 बाजी सारी 5 पर सटडाउन हवा कथा कि सटडाउन हो सारी कथा कहीपर कि गाड़ी अवस्था जहाँ देखे आप जमापड़ी कटक सहर सटडाउन एपर्त होना कि लोक मैंने एपर्त बुझा चेस्टा करना सरकार लोकों पर ही 2 समय 5 जो भिड़ कथा कहतु सका 6 संध्या 5 गोटे समय सीमा दे लोक मैंने भिड़ करेंगे ना से समय सीमा मध्य ही जिनस कि ने जहाँ अवस्था आम देख लु आज देखु बर्तमान अवस्था देखु जो भाई भाव शह शह गाड़ी रास्ता पर ठिया तो ताने जो मार्केट कम्प्लेक्स अच्छी भर्तिया टावर एपर्त भी खोला अच्छी तो मार्केट कम्प्लेक्स भितर लोक मैंने अच्छा निश्चित भाव में ये गोटे दुखद कठिन लोक मानक बारंबार सचेतन करने सहित लोक मैंने बुझी ना कि बुझ
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବା ବି ଜୋନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। କଟକ ସହର ଯେତେବେଳେ ସହରରେ କିଛି ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକ ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ନା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କି ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଅଛି। ଯେଉଁ 15 ଦିନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ କଥା ଯେ କ'ଣ ରହିବ ସଂକ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥା, କି ନ କମିପାରେ କି ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ରହିବ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା କି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 5ଟା ପରର ଚିତ୍ର। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବା। ଭାଇନା, ଆପଣ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜି କେତେ 5ଟା? ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ବାହାର ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ବସ୍ ଚାଲୁ ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ କମିଯିବ। ଯାହା 5ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା, ତାପରେ ବି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ। 5ଟା ଲୋକ ମୋବାଇଲ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବସ୍ ଖୋଲିଗଲେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଗଲେ ଏ ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ ପରେ କମିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଥମେ? ଆଉ ଯେ 5ଟା ବାଜିଲାଣି, ତାପରେ ବି ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଅଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋବାଇଲ ଆସୋସିଏସନ୍ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିଣିକି ନା ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ମାର୍କେଟ, ତାପରେ ବି ଡର ରହୁନି ମନ ଭିତରେ? ମନ ତ ଡର ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା, ତା ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ସମୟ କମିଯାଉଛି କି 5ଟା ପରେ ବି ହେଇଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସମୟ ତ କମୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋକାନୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୋବାଇଲର, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟସ୍ କଥା କହୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ସଜେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଏଇ ଭର୍ତ୍ତିଆ ଟାୱାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯଦି ଲୋକ 5ଟା ପରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କିଣିବେ, କି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାହେଲା 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ, କି ସଟର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଟର ପଡ଼ିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉନୁ ସଟର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ସଟର ଲୋକ ସଟର ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ପଛପଟେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ଏମିତି ନେଇନି କି ଗୋଟେ ଖାମ୍ପିଆଲ ମନୋଭାବ ଲୋକଙ୍କ ରହୁଛି, ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବି ରହୁଛି। ତ ଏ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛି ଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବ। ସମୟ ସୀମା ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ସଟର ପକାଉ କି ସେଥିରେ ସଟଡାଉନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାତ ନେଇ 5ଟା ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 4:30 ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ ରହୁଛି, ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ ରହୁଛି, 4:30 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 5ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ, 5ଟା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବେ, 5ଟା ବେଳେ ଯଦି ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏବେ ବି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ, 641 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଉପରେ 115 କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦୀପ ଏବଂ ସୁଜୟ ମିତ୍ର। ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବିଭାଗ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ। ଏମାନେ ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କି ଟିକସ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ବା ଟିକସ ଠକିବା ଲାଗି 16 ଫର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ଲାଗି ଏମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 16 ନକଲି ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରବାର ଲାଗି ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅନେକ ଫର୍ଜି କାରବାର ନେଟୱାର୍କ, ଏପରିକି ସ୍କୁଟର ଏବଂ 3-ଚକିଆ ଯାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଏଥିରେ ଖଣିଜ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଚପରାସୀଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଏଥିରେ କାରବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଏମାନେ ଏକ ବଡ଼ ନକଲି ଖଣିଜ କାରବାର ଏବଂ ଠକେଇର ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ। ବହୁତ ବଡ଼ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି, 641 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଇନଭଏସ୍ ଏମାନେ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଥିଲେ କ୍ରୟ ଆଉ ବିକ୍ରି 2 ମାଧ୍ୟମରୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ITC 115 କୋଟି ଟଙ୍କାର ITC ମଧ୍ୟ ପାସନ୍ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ଆମେ ଧରିଛୁ। ପୁରା ନେଟୱାର୍କରେ ଟୋଟାଲ 18 ଡିଲର ଅଛନ୍ତି,
ये 18 डीलर भितर 2 डीलर अच्छी जे कि जेन्युइन बिजनेस करूची जेन्युइन बिजनेस माने तार ग्राउंड रे तंकर बिजनेस अच्छी बिजनेस जेन्युइन न भी थाई पारे किंतु ग्राउंड रे तार बिजनेस अच्छी प्लांट अच्छी से बिजनेस करूथिला करूची ता संगरे 16 टा फेक फर्म माने गठन करिसंती विद द सोल पर्पस ऑफ संपर्क अधिक आलोचना करने को बर्तमान फोलाने जोड़ी होती टैक्स कनसल्टांट प्रशांत शतपथी अच्छा सुप्त शतपथी आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को देखो राज्य में गोटे बड़धरण जीएसटी ठकई होती किभली देखुं दर्शक मान मन में गोटे क्वेश्चन रही उत्सुकता रही जानवा चाहूबे ये जीएसटी ठकई कौन केमी जीएसटी ठकई कराए तरीका कौन देखो जीएसटी आईन जो आसा प्रत्येक आईन भितर जमी ल किसी फ्लो थाए से जीएसटी आईन रे भी किसी गोलाबाट रही तार किसी फायदा नौ किसी असाधु व्यवसाय तो आज जो जीएसटी ठके कथा आज आपनार आलोचना कर पूर्व भी राउरकेल गोटे ठके धराइला संबलपुर गोटे ठके होता सी भी सामना को आसला कथा हूँ अनेक समय गोटे व्यवसायी चारि पांचटी तार निजस्व फार्म जहाँ को डमी फार्म बोली आम कहीपर से डमी फार्म से क्रिएट करती इनपुट टैक्स क्रेडिट बा बिक्री मान किणवा जो डिलर टी किणुची से किणवा उपरे जो टैक्स टे दौची से टैक्स से जो बेनिफिट नब परचेस कला बेल जो टैक्स दौची से टैक्स से तार सेल कला बेल टैक्स माइनस कर ताको बाद देखिए बाकी टैक्स डिपोजिट कर ये जो प्रावधान टी अच्छे आम जीएसटी आईन रे तार बेनिफिट नापाई ये सब व्यवस्था से तो गोटे फार्म तार चिन्ह परिचय लिंक रे गाड़ी किए ड्राइवर ना रे केते बेले घरे काम करथवा लोक ना रे ये भली सब पैन कार्ड बा आधार कार्ड सब आनी फॉल्स एड्रेस देकरी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नौचंती तार भीतर ट्रांजैक्शन करूचंती सो दैट जी मूल फार्म से बेनिफिट नहीं जाते टैक्स बेनिफिट गेन करु सरकार से टाटी जाऊना सरकार गोटे बड़ धरण राजस्व हानि हो द्वारा आई सब ठके धीरे धीरे सामना को आसुच्छी मुझे ए जीएसटी आईन रो प्रोविजन टी रही से आईन टन रवश्यकता रही आज भितर अनेक अमेंडमेंट है कि अमेंडमेंट भी सफिसीएंट नुहे से यह कथा जो मैंने धरा होती लोक जेल जाऊपर विभाग कार्यानुषान सत्वे ये जिनस रोक लग पारना तेणु या गोटे पर गोटे बड़धरण पर आवश्यकता अच्छे और जीएसटी काउनसिल या अत्यंत गंभीरतार सह नवार आवश्यकता रही निश्चित भाव में आप देखु ये प्रथम घटना नुहे पूर्व अनेक थर यह घटना सामना को जीएसटी ठकईर आप जो कथा कहले कि जीएसटी काउनसिल गोटे गुरुतर सहित नेबार आवश्यकता रही बड़ पर आवश्यकता रही है धन्यवाद सुक्त शतपथी आप सहित अधिक आलोचना कर परवर्ती खबर को आसवा पंजाब कांग्रेस रे कंदल थमार ना धरुनी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एवं दलर वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बद तेजुची पंजाब कांग्रेस सभापति दायित्व सिद्धू को मिलवा नहीं चर्चा परे सोशल मीडिया रे मुहांमुही होती अमरिंदर और सिद्धू गोष्ठी अवस्था एपरी हो दलर राज्य प्रभारी हरीश रावत यूटर्न नहीं पूर्व से सिद्धू कांग्रेस राज्य सभापति बोली सूचना दे हरीश रावत एवं कहते ये किसी चूड़ा होनी सेपटे दिल्ली में कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी को भेटी सिद्धू शीघ्र किसी गुरुत्वपूर्ण घोषणा होवार संभावना अच्छी शुणा को मिलूँ सिद्धू को पंजाब पीसीसी सभापति दायित्व मिलपे तेज यहाद्वारा गोष्ठी कंदल बढ़िया आशंकर अमरिंदर यह विरोध करुवा जमापड़ पूर्व सिद्धू राहुल और प्रियंका दिल्ली में साक्षात कर सारी सिद्धू ना अमरिंदर क्या सपक्ष सोनिया समर्थन तापर रही समस्त नजर आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा आपसे वो जानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है उसका क्या मतलब है और नंबर टू जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होने जा रहा है।
और मैंने मेरा आपको प्रॉमिस है जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको। आज पवित्र हेरा पंचमी नीति आसंता काली तीन रथर हेब दक्षिण मोड़ आज हेरा पंचमी में महालक्ष्मी श्रीमंदिर आसी आड़प मंडप महाप्रभु दर्शन करेंगे। आज संध्याधूप सरीजा समय महालक्ष्मी श्रीमंदिर पालंकी विजे करेंगे। रथ निकटे पहुंचा पर पति महापात्र नंदीघोष रथ निकट में बंदापना नीति करने महालक्ष्मी गुंडीचा मंदिर को विजे करेंगे। आड़प मंडप जगमोहन निकटे पहुंचा पर आज्ञामल विजे होगापर धूप बस तेणु अभिमान करी महालक्ष्मी महाप्रभु को ठीक भाव दर्शन कर पारी रथ भांगी फेरी संपर्क में अधिक आलोचना करने को आम पुरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र आम सहित सीधासलख पुरी जोड़ी होती। अक्षय आज हूँ पवित्र हेरा पंचमी अभिमानिनी रागरे जर्जरित माँ महालक्ष्मी आज रथ भांगार परंपरा रही से किभली प्रस्तुति कर निश्चित पक्षे जदि कह देबे जेतेबेले आड़प मंडपरे हेरा पंचमी नीति आरंभ हेब अर्थात जेतेबेले संध्याधूप टेरा संध्याधूप बसवाक जाऊ समय डका जाइथिबो से समय श्रीमंदिर महालक्ष्मी पालिंगे विजय करेंगे और माँ विमला ठारु मोहिनी चूर्ण धरिके आसीथिबे कारण महाप्रभु को देखापी से आसुछंती और जेतेबेले देखुथिबे कि नंदीघोष रथ जो रही जो विराजमान होइछि ये नंदीघोष रथ निकट रे जेतेबेले पालिंगी पहुँचब से पति महापात्र बंदापना मणई करेंगे और सहीठे पूजार्चना अच्छी से अनुसार अन्न्य नीति बढ़ नीति बढ़ी सारापर महालक्ष्मी सीधासलख विजय करेंगे श्रीगुंडीचा मंदिर आड़प मंडप को महाप्रभु को जेहेतु द्वार अधा बंद हो महाप्रभु दर्शन करेंगे से समय द्वार बंद हो भोग पड़ो तेणु महा रागिकी फेर तेणु आज मत रथ भांगार परंपरा ये एक निरा परंपरा रही ये हूँ मानव लीला ठाकुर महाप्रभु रागर स्वर मैं शिकार एवं से नहीं मध्य कह तेज देखुवे जो अंचल आम देखा ये हूँ श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुख भाग अंचल एवं विशेष भाव में जो रथ थुआ जा रथर बामपटे आम देखुचे जो हलदिया नाली रंग रथ रही से हूँ महाप्रभु रथ नंदीघोष रथ सेठे नीतिकांति एक रथ काठ भांगिकी महालक्ष्मी फेरवे से संपृक्त अंचल को पूरा कड़ा सुरक्षा बलबीत रखाई देखिपे कि शहे चोराधारा जारी कर अंचल को संपूर्ण भाव श्रीगुंडीचा मंदिर आरंभ कर रथ सम्मुख भाग पर्यंत एपटे शरदावाली पर्यंत सबक शहे चोराधारा भितर रखाई कौन भक्त मैंने से जगह जापरि नहीं से अंचल को कर्फ्यू जारी कराई तेणु विशेष भाव में बिना भक्त नीतिकांति सेपटे जदि कह आज जो नीतिकांति सर सेपटे बड़ दाण्डे आसंता काली जेहेतु रथर दक्षिण मोड़ नीति रही कारण आज जो भाव में महाप्रभु निर्देश आसव कि आसंता काली ठारु बाहुड़ापी प्रस्तुति आरंभ कर से तीन रथर दक्षिण मोड़ एथपाई बड़ दाण्डर श्रीमंदिर आरंभ कर बड़शंख पर्यंत बड़ दाण्डे बाछा जाए जहाँकि पूर्वर एटारे बाली रही है चलित जेहतु एवं पिचु हो जाए तेनाली बाली रखा जाए जो रथर मोड़ कराए बाली ही मोड़ होता है जहाँ विधि व्यवस्था रही प्रथमे देवी सुभद्रांकर देवदल रथ को टणा जीव दक्षिण मोड़ तापर तालाज रथ को टणा जीव शेष महाप्रभु नंदीघोष रथ को टणा जीव टणा जा तीन रथ को यही जगह ही मोड़ करा से दक्षिण मोड़ समय रास्ता को संपूर्ण भाव में सिल करा भाव में कौन भक्त या भितर प्रवेश करे ना एवं जेहेतु आसंता काली सटडाउन रही सटडाउन जोगुरु पुरी सहर कटक लागू कर समय भितर यही जगार ही विशेष भाव में दक्षिण मोड़ कर मानवीय लीला देखा मिल महाप्रभु को ठीक भाव में दर्शन कर नपारी रथ भांगी चली माँ महालक्ष्मी आज यह नीति संपादित हो धन्यवाद अक्षय आपण समस्त सूचना समस्त उच्च बुलेटिन को नमस्कार।